नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एडवांस एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन लेकर आया हूं, जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। ये ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा के मेन्यू में यहाँ पर इस जगह मिलेगा, ये टेक्स्ट टू कॉलम के नाम से। तो साथियों, इसका क्या यूज होता है? टेक्स्ट टू कॉलम का जो यूज होता है वो अपने डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप कोई डेटा एंट्री का वर्क करते हैं या कोई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्क लेते हैं तो आपको अनएडजस्टेड डेटा दे दिया जाता है। अब उसे आपको एडजस्ट करके अपने हिसाब से कन्वर्ट करके तब उसमें वर्क करना होता है। अब मैंने आपके सामने 5 तरीके का डेटा लिया हुआ है। आप जैसा देख रहे हैं डेटा टाइप में मैंने यहाँ पहले ही ऑलरेडी कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे एक नाम है विजय कुमार चौहान, ये कुछ सब्जेक्ट नेम है, कुछ कंपनियों के नाम है, कुछ ईमेल आईडी है और ये कुछ सिटीज के नाम। अब आपसे ये कहा गया कि ये जो नाम है विजय कुमार चौहान, ये आपको एक एक नाम अलग अलग बॉक्स में लिखना है। जैसे आपने देखा होगा फॉर्म होते हैं तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग लिखे जाते हैं, तो ऐसा ही आपसे कहा गया कि फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखिए विजय कुमार यहाँ पर और चौहान यहाँ पर। इसी तरीके से आपके सामने कुछ मान लीजिए कोई मार्कशीट बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके का डेटा दे दिया, सब्जेक्ट नेम दे दिए हिंदी इंग्लिश मैथ, तो ये आपको अलग अलग बॉक्स में लेने हैं। हिंदी यहाँ पर आए, इंग्लिश यहाँ पर आए, मैथ यहाँ पर आए, सोशल साइंस यहाँ पर आए, इस तरीके से। ऐसे ही एक कोमा दिया हुआ है, कोमा के द्वारा सेपरेटेड है, तो ये जहाँ भी कोमा है वो अलग अलग बॉक्स में हो जाए डेटा। और ईमेल आईडी है, मान लीजिए कहा गया कि जिसमें आगे का यूजर नेम है vijay.indica, ये अलग बॉक्स में आए, और जो वेबसाइट नेम है @gmail.com ये अलग बॉक्स में आए। इसी तरीके से दिल्ली, मुंबई, आगरा, इनमें बीच में जो डैश दिए हुए हैं, ये जहां भी डैश है वहां से डेटा अलग बॉक्स में सेपरेट हो जाए। तो अब देखिए इसे कैसे करते हैं, पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है साथियों। देखिए अब यहां से विजय कुमार चौहान को मुझे यहां से मॉडिफाई करके अलग अलग बॉक्स में लेना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में जाएंगे, ध्यान रहे ये डेटा में मिलेगा आपको, यहाँ डेटा पे क्लिक करेंगे तब आएगा टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे इसमें फिक्स्ड विड्थ, ऑलरेडी इस पे क्लिक भी है, देखिए फिक्स्ड विड्थ, इस पे क्लिक रहने देंगे और इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये दिखाएगा कि आपका डेटा इस तरीके से प्ले हो रहा है, विजय कुमार चौहान, बीच में एरोस आ रहे हैं तो यानी यहाँ से सेपरेट हो रहा है, बिल्कुल प्लेन डाटा है इसलिए इजीली हो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये वो यहाँ से स्टार्ट हो, इसे मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ विजय आए, यहाँ पर कुमार, यहाँ चौहान, तो आपको एरिया बताना पड़ेगा, वो एरिया यहाँ से डेस्टिनेशन में सेलेक्ट किया जाता है। आप यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए और अपने डेस्टिनेशन यहाँ देंगे। कैसे देंगे? बस यहाँ क्लिक करके जहाँ से आपको शुरुआत करनी है, मुझे यहाँ से शुरू करनी है कि यहाँ विजय आए, यहाँ कुमार, यहाँ चौहान, तो बस वह क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके आप जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे ओके करने पे विजय कुमार चौहान ये तीनों अलग अलग बॉक्स में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से मुझे करना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आप सोच रहे होंगे ये भी तो सेम ऐसे ही है, बीच बीच में स्पेस है, नहीं आई, थोड़ा सा चेंज है, देखिए मैं बताता हूँ क्या चेंज है। अभी आपको ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग बॉक्स में यहाँ पर लिखने हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाइए, इसके बाद यहाँ से फिक्स पर ही क्लिक रहने दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने पे देखिए चेंज क्या है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सब में स्पेस है, ठीक है ना, लेकिन सोशल साइंस में भी बीच में स्पेस है, जबकि ये तो एक ही सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, तो इसी कारण क्या कर रहा है कंप्यूटर, क्योंकि ये जो फिक्स हमने ऑप्शन लिया है इसमें जहाँ भी स्पेस होता है वहां से डेटा को ये अलग कर देता है। देखिए आप ये एरो देख रहे हैं, ये तो साइंस के बाद है या मैथ्स के बाद है, ऐसे सोशल साइंस के बीच में भी एरो आ चुका है, तो अगर आप यहाँ से नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे तो सोशल साइंस भी अलग अलग बॉक्स में हो जाएगा, सोशल यहाँ आ जाएगा, साइंस यहाँ, जबकि वो एक साथ लेना है, बस यही चेंज है पहले वाले नाम में और इसमें, यहाँ पर स्पेस है एक साथ और ये हमें एक साथ लेना है सोशल साइंस, बीच में स्पेस होने के बावजूद वहां अलग अलग करने थे तीनों, क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो अब देखिए बस जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये जो सोशल और साइंस के बीच में स्पेस आ रहा है, लाइन आ रही है, इस लाइन को यहाँ से ऐसे लेफ्ट क्लिक से दबाइए और आगे खींच दीजिए इस तरीके, तो आप देखेंगे सोशल साइंस
एक साथ हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एरिया लेंगे पहले की तरह, किस जगह पे आपको रखने हैं ये अलग अलग सेपरेट, इन्हें डिलीट करना है यहाँ से पहले वाले डेस्टिनेशन को, और यहाँ पर क्लिक कर देना जिस जगह पर आपको लेने हैं, इस जगह मुझे लेने हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया इसके जस्ट सामने। अब बस यहाँ से फिनिश कर दीजिए, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस अलग अलग हो गए। ठीक है ना, सोशल और साइंस यहाँ अलग नहीं हुए, एक साथ हो गए, क्योंकि हमने वो बीच में एरो को, लाइन को आगे खिसका दिया था। अब बात आती है अगर बीच में स्पेस के अलावा कोमे वगैरह हो या डॉट हो, हाइफन हो, तो क्या करेंगे। अब देखिए मुझे हीरो, बजाज, यामा, इस पर पहले क्लिक कर लीजिए, जहां जहां कोमा है ये सभी कंपनियां अलग अलग बॉक्स में यहाँ भेजनी है। क्लिक रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम के फीचर्स पर जाएंगे। अब यहाँ से हमें फिक्स्ड विड्थ नहीं करना, अब हमें लेना है फर्स्ट ऑप्शन डीलिमिटेड। अगर कोमे वगैरह होते हैं ना तो फिर डीलिमिटेड सही रहता है ऑप्शन। इसमें जाकर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आएंगे कि आपको किस जगह से अलग अलग बॉक्स में डेटा ब्रेक करना है। तो हम चाहते हैं जहां भी ये कोमा आया है वहां से डाटा अलग अलग बॉक्स में सेपरेट सेपरेट नेम या वर्ड्स हो जाएं। तो आप यहां पे कोमा पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने कोमा पे क्लिक किया तो हीरो, बजाज, यामा, टीवीएस, सुजुकी, जहां जहां कोमे थे उनके बीच में अलग अलग लाइन आ गई है, अलग अलग कॉलम आ गए हैं। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, और फिर से पहले की तरह यहाँ से डेस्टिनेशन लेनी है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कीजिए, और जहां पर आपको रखने हैं मुझे इसके सामने यहाँ पर लाने हैं ये नाम, यहाँ पर क्लिक करके और फिनिश कर दीजिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे हीरो, बजाज, यामा, टीवीएस, सुजुकी सभी अलग अलग सेपरेट बॉक्स में आ गए हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ यूजर नेम में विजय डॉट इंडी का यूजर नेम एक बॉक्स में रहे और जो वेबसाइट है वो अलग बॉक्स में आ जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर भी जाके डीलिमिटेड ही लेंगे, क्योंकि अभी हमें खाली स्पेस से नहीं करना, स्पेस से खाली होता है तब लेते हैं फिर, बट डीलिमिटेड क्योंकि बीच में एट द रेट सिंबल है, तो ये लेने के लिए डीलिमिटेड पर जाकर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप कोमा हटा दीजिए, और यह अदर का एक ऑप्शन है, अदर में आप यहाँ जो भी करेक्टर डालेंगे वहां से सेपरेट बॉक्स में डेटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया एट द रेट, कीबोर्ड से एट द रेट टाइप कर दिया अदर में। अब देखिए जहाँ एट द रेट था वहां पर बीच में कॉलम लाइन आ गई है। अब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ डेस्टिनेशन में इसे डिलीट कर देंगे डेस्टिनेशन को, और जहां पर लेना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे। इसको नीचे किया मैंने अलग, और यहां से मुझे करना है अलग, ठीक है ना। तो मैंने इस बॉक्स पर क्लिक कर दिया, विजय डॉट इंडिका यहाँ पर आए और जीमेल आगे आए। बस यहाँ से फिनिश कर दीजिए, और ओके करने पर आप देखेंगे विजय डॉट इंडिका एक अलग बॉक्स में है। देखिए मैं बॉक्स की थोड़ी चीज बढ़ा देता हूँ, यहाँ से आप सब आके ऊपर से डी से आगे खींचिए, तो विजय डॉट इंडिका अलग हो गया, जीमेल डॉट कॉम अलग हो गया हमारी तरफ से। अब किसी तरीके से बीच में जो आपने डैश दिया हुआ है या हाइफन है तो यहाँ से करना है, इसे अलग अलग करना है सेपरेट, क्लिक कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम पर जाइए, यहाँ से डीलिमिटेड पर ही जाएंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, और अब यहाँ से अदर में जाके आप सेलेक्ट करके हाइफन यानी डैश लगा देंगे, तो जहां जहां डैश था देखिए अलग अलग हो गया है डेटा। नेक्स्ट करेंगे और फिर से वही डेस्टिनेशन पर जाएंगे, इसे डिलीट करेंगे, और जहां पर आपको लाना है वो डेटा वहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिनिश कर देंगे, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपके जो नाम थे वो अलग अलग बॉक्स में आ गए। तो इस तरीके से मैंने आपको पांच तरीके का डेटा टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए अलग अलग सेल में अलग अलग बॉक्स में लेना सिखाया। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आगे के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स या वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद एंड जय भारत।